अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है अपने गांव के लिए, ठीक है। आज हम अपने गांव निकल रहे हैं, ठीक है। तो अभी का सीन ये है कि गाड़ी आप देख सकते हैं आ गई है अपनी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो सा है हम अपने गाँव के लिए निकलेंगे। तो अभी जो सा है मैंने गाड़ी के मैट्स मंगवाए थे, क्योंकि रात को मैंने डेज़ के मैट डाल दिए थे, अपनी जो छोटी गाड़ी है ना उसके मैट डाल दिए थे। तो मैंने तो गुजारे के लिए डाले, वालिद साहब ने कहा कि नहीं बेटा आप ऑर्डर कर दो, उनको कॉल करो वो दे जाते हैं आपको। तो उनके कोई दोस्त हैं वो भिजवा रहे हैं, तो अभी आते हैं वो उनके इसके अंदर मैट्स डलवाते हैं, उसके बाद फिर सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी के अंदर और फिर निकलते हैं। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज करना है और फ्रेश भी होना है। तो चलें अब फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर सामान वगैरह रखते हैं, मैट डलवाते हैं और निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपके भाई फ्रेश हो गए और अभी जो उनसे है वो अंकल पहुंचने वाले हैं, तो गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि वो मैट आराम से डाल सकें। तुतनी डाल ले। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। नहीं नहीं भाई जी, सवाल मैं खत्म लक्षण, मैं नौकर पापा का लक्षण बढ़िया दवा बन नहीं बहुजू तो मैट नहीं आ रहा, मैट बड़े वाला मैट जी, ठीक है पूरी कटिंग पूरे वाला मैट, रंग दो जे अंदर ने दूसरे नहीं नहीं है ले, ठीक है फ्रंट पे ना दूसरे मैंने डाले हैं वो निकाल लिए, ये छोटी गाड़ी से पाग ले आ रहा था एन मैट था पहले बाबूजी बड़े वाला मैट है सदा वर्ष सुख लो वो क्लीनर फिर ऐसे पकड़ना पे फिर जो आगे फिर गए कोगो मोटर से कट गए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. You.
पोशिश आप इसकी मैटिंग आप देख सकते हैं ओके हो गई है माशाल्लाह से, बड़ी एच टू एच फिटिंग के अंदर आई है। और देख सकते हैं आप ब्लैक कलर के अंदर में गई थी हमने, रेड कलर की स्टिचिंग थी एक में और एक में ब्लैक कलर की। तो मैंने इनको कहा कि यही सेम मुझे ग्रैंडी के लिए भी चाहिए, तो ये भी लगवा लेंगे ठीक है। और जो इंटीरियर की पोशिश है ग्रैंडी की, वो भी मैंने इनको कह दिए कि ये कर दें, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। और वापस आके हम इंशाल्लाह ग्रैंडी एक्स के बम्पर भी लगवाएंगे, बम्पर आज आ जाएंगे सुभान भाई के घर। तो इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन या संडे वाले दिन वापस अगर आ गए तो लगवा लेंगे। अभी हम ऐसे करते हैं कि गाड़ी में सामान रखना शुरू करते हैं और अभी चाय पी लूँ, बस नाश्ता मैंने कर लिया, सिर्फ चाय रहती है, चाय पी के तो फिर सामान रखना शुरू करते हैं। ये वाली सीट हम टोटली फोल्ड कर देते हैं, बल्कि ये वाली कर देते हैं, ये वाली नहीं, ऐसे करते हैं कि ये वाली कर देते हैं, क्योंकि ना इस साइड से उतरना आसान है और इस साइड से ज़रा उतरना मुश्किल है। तो ये वाली हमने फोल्ड कर दी है, यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सामान पूरा आता है या नहीं आता। ये तो दोस्तों ये अपना सामान हमने फिट कर दिया, ये देख सकते हैं आप, दो बैग आ गए हैं, ये वाला बैग है, ये भी है सामान पूरी कुछ, ये भी है। तो अभी आपका भाई यहाँ पर बैठेगा और वाले साहब गाड़ी चलाएँगे, तो अभी इसको बंद करते हैं, बंद ये नहीं होगी तो इसको बंद कर लिए। लेकिन इसके ऊपर आते ही रूफ बॉक्स लगवाएंगे, क्योंकि ना स्पेस बहुत ज़्यादा कम है गाड़ी के अंदर। तो अभी कुछ ऐसे सीन है कि जैकेट्स वगैरह अपनी इनको ऊपर लटकाते हैं और वहाँ पे लटकाते हैं या पीछे कहीं। सफ़र करके आपके भाई घर पहुंच गए, और अभी का सीन ये है कि अभी मैं अपने पप्पो की तरफ आया हूं और आज रात हम यहां पे स्टे करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह आपको दोबारा गांव के नज़ारे दिखाएंगे, ज़रा सुबह के नज़ारे दिखाएंगे, उसके बाद खेतां जट फिर खेतां विच भी दिखाएंगे आपको। तो अभी का सीन ये है, उसके बाद जौन सा है बम्पर्स का आपको बताना था कि बम्पर जौन से है ना हमने ले लिए ठीक है, हाशिम भाई के पास हैं, और इंशाल्लाह वो जो उनसे है ना कल शाम को अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह वापस जाके फिर उसको फिट शिट करवाएंगे, पेंट शर्ट तो हुए होंगे वो, तो उसको फिट शिट करवाएंगे। और उसकी तकरीबन जो पेमेंट थी ना उसका इशू आ रहा है, ट्रांजैक्शन यहाँ से हो गई है मेरी तरफ से, तो अभी तक वहाँ पर जो है ना अपने हाशिम भाई उनको अभी रिसीव नहीं हुए। तो सहूलत भी जायज़ कैश की बस ऐसे ही है, मतलब कहीं पर ज़रूरत अगर आपको ज़्यादा हो तो फिर फंस गए हो आप तो पक्के पक गई। तो मेरी पेमेंट खैर फंसी हुई है, मैंने उसके बाद जो उनसे है ना इसकी कंप्लेंट भी करवाई है, तो अभी आप देखें कि क्या बनता है। इंशाल्लाह सुबह तक या मेरे अकाउंट में रिवर्स आ जाएंगे या उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बाकी अब देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट डाउन बिलो। अल्लाह हाफिज़।